नमस्कार, न्यूज़ क्लिक में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं इतिहास के पन्ने मेरी नज़र में। एग्जैक्टली 100 साल पहले महात्मा गांधी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को जन आंदोलन का स्वरूप दिया था। 1920 से 1922 के बीच उन्होंने खिलाफत आंदोलन और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को इंटीग्रेट करके हिंदू मुस्लिम यूनिटी का हाई पॉइंट हासिल किया था। लेकिन 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी जानते थे राष्ट्रीय आंदोलन का वो दौर फाइट टू फिनिश नहीं हो सकता था। हिंदुस्तान की जनता की राजनीतिक चेतना और मैच्योर होने की जरूरत थी। 1920 का दशक खत्म होते होते नई उमंग, नई एनर्जी फिर दिखाई देने लगी। कई कारण थे, मुख्य वजह युवाओं में पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन था। ये वो नौजवान थे जो महात्मा गांधी के फैसले से नाखुश होकर क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का रास्ता अपना चुके थे। काकोरी ट्रेन रॉबरी लखनऊ के पास 9 अगस्त 1925 को हुआ। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लाहिरी, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे अनेक युवा फोक हीरो बन गए और उन्हें ब्रिटिश सरकार ने मौत की घाट उतार दिया। अंग्रेजी हुकूमत ने जनवरी 1928 को साइमन कमीशन हिंदुस्तान भेजा, लेकिन जनता कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के फ्रेमवर्क से नाराज थी। ऊपर से कमीशन का एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। हर जगह काले झंडे दिखाए गए, देश भर में साइमन गो बैक का नारा गूंजने लगा। जब साइमन कमीशन लाहौर पहुंची, तब वहां के प्रोटेस्टर्स को लाला लाजपत राय लीड कर रहे थे। भीड़ को तिथर बिथर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इस पुलिस एक्शन में लाला लाजपत राय घायल हो गए। कुछ ही दिनों में उनकी मृत्यु हो गई। इसका बदला भगत सिंह ने लिया। 1928 तक वे मार्क्सिस्ट विचारधारा से भी इन्फ्लुएंस हो चुके थे, लेकिन महात्मा गांधी हिंसा के खिलाफ अब भी थे। 1929 में उन्होंने लाहौर में एक आम सभा में कहा, फ्रीडम कैन नेवर बी अटेंड बाय एक्सप्लोडिंग बॉम्ब्स ऑन इनोसेंट मेन। गांधी जी की राय के बावजूद भगत सिंह फोक हीरो बन चुके थे। जवाहरलाल नेहरू ने बहुत संवेदनशीलता से इसको एक्सप्लेन किया, भगत सिंह डिड नॉट बिकम पॉपुलर बिकॉज ऑफ हिज एक्ट ऑफ टेररिज्म बट बिकॉज ही सीम टू विंडिकेट द ऑनर ऑफ लाला लाजपत राय एंड थ्रू हिम ऑफ द नेशन। ही बिकेम अ सिंबल, द एक्ट वॉज फॉरगॉटन, द सिंबल रिमेन्ड। Within few months, each town and village of Punjab, and to a lesser extent in the rest of northern India, resounded with his name. December 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन यही बैकग्राउंड में शुरू हुआ। गांधी जी ने रेजोल्यूशन प्रपोज किया, पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य बनाया गया। जनता को 26 जनवरी 1930 स्वतंत्रता दिवस के तौर पर मनाने के लिए आग्रह किया गया। लाहौर अधिवेशन में नया आंदोलन शुरू करने का फैसला लिया गया। तय हुआ कि गांधी जी आंदोलन का स्वरूप और डायरेक्शन डिसाइड करेंगे। गांधी जरा भी हिंसा के खिलाफ थे। वे मानते थे अगर राष्ट्रीय आंदोलन वायलेंट टर्न लेगा तो सरकार के लिए रिप्रेशन जस्टिफाई करना आसान हो जाएगा। दूसरी बात, गांधी जी कहते थे हिंसा हिंसा को ही प्रोपगेट करती है। गांधी जी ने लिखा, अगर हम हिंसा से आज़ादी हासिल करेंगे तो समाज में कन्फ्यूजन और केओस फैल जाएगा। अगला जन आंदोलन कैसा हो, इसको तय करने का फुल मैंडेट गांधी जी लाहौर से लेकर लौटे। किसी को पता नहीं था उनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या प्लान कर रहे हैं गांधी जी। लेकिन एक बात से अवगत थे, 1920 में हिंदू मुसलमान एकजुट थे,
1929-30 में वो एक दूसरे के पराया हो चुके थे। गांधी जी ने निष्कर्ष निकाला, राष्ट्रीय आंदोलन को फिर से पटरी पर लाना होगा और सिविल नाफरमानी की राह पर चलना होगा। लेकिन मुद्दे क्या होंगे, गांधी जी को इमीडिएटली कोई क्लैरिटी नहीं थी। 10 जनवरी 1930 को उन्होंने नेहरू को लिखा, आई हैव नॉट सीन माई वे क्लियर एज येट। लाहौर रेजोल्यूशन के एडवाइस के बेसिस पर देश भर में उत्साह से स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। गांधी जी को इससे कॉन्फिडेंस मिला। असहयोग और नाफरमानी का वक्त आ गया था। यंग इंडिया मैगजीन के जनवरी 1930 के अंक में उन्होंने 6 मुद्दे या मांगे आइडेंटिफाई किए। इनमें नमक पर से टैक्स हटाने की बात भी थी। गांधी जी ने वायसराय को चिट्ठी लिखी, अगर ये मांग नहीं माने जाएंगे तो सिविल डिसोबीडियंस का आंदोलन लॉन्च होगा। कुछ सप्ताह बाद यंग इंडिया के एक दूसरे अंक में गांधी जी ने सारा फोकस सॉल्ट टैक्स पर डाल दिया। उन्होंने कहा, हवा और पानी के बाद नमक सबसे जरूरी है। नमक पर टैक्स प्राचीन भारत के समय से ही लगता था, मगर 1923 में इस टैक्स को लगभग दुगुना कर दिया गया था। गांधी जी के मांग के 100 साल पहले राजा राम मोहन रॉय ने ब्रिटिश पार्लियामेंट को इस मुद्दे के सीरियसनेस के बारे में पिटीशन किया था। द डर्थ ऑफ सॉल्ट इज फेल्ट बाय द एंटायर कम्युनिटी। पुअरर पेजेंट्स आर रेडी टू सरेंडर एनीथिंग टू प्रोक्योर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ दिस आर्टिकल। इफ सॉल्ट इज रेंडर्ड चीपर एंड बेटर, इट मस्ट ग्रेटली प्रोमोट द कंफर्ट्स ऑफ द पीपल। गांधी जी जब साउथ अफ्रीका में थे तब भी उन्होंने सॉल्ट टैक्स को ग्रेट शेम कहा था। इसको एबॉलिश करने की मांग भी रखी थी। गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार को ऑफिशियली इंटीमेट किया, सॉल्ट लॉज का उल्लंघन किया जाएगा। वायसराय ने इस चिट्ठी को सीरियसली नहीं लिया। कांग्रेस के बहुत नेता भी नमक को इतना सीरियस इशू नहीं मानते थे, लेकिन गांधी जी तो अडिग थे। उनको वल्लभ भाई पटेल का समर्थन भी मिला। 15 फरवरी 1930 को CWC की बैठक में नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस आंदोलन शुरू करने का फैसला लिया गया। सॉल्ट टैक्स का एबॉलिशमेंट आज़ादी के दिशा में पहला कदम होगा, गांधी जी ने जनता को एश्योर किया। उन्होंने तय कर लिया कि वे नमक से जुड़ी कानून का उल्लंघन करेंगे। उन्होंने डांडी गांव को भी आइडेंटिफाई किया। 12 मार्च 1930 गांधी जी 78 पुरुष साथियों के साथ साबरमती आश्रम से पैदल रवाना हो गए। जत्थे में गुजरात, महाराष्ट्र, यूनाइटेड प्रोविंसेस, केरल, पंजाब, सिंध, तमिलनाडु, आंध्रा, कर्नाटका, बंगाल, बिहार और उड़ीसा सभी प्रांतों से लोग थे। उनमें वो भी थे जिन्हें अछूत माना जाता था और मुसलमान भी। कई 100 औरत ऐसे थे जो शामिल होना चाहते थे, परंतु गांधी जी ने अपने कोर टीम को छोटा रखा। हर कदम पर डांडी यात्रियों के ऊपर रुपए और फूल बरसाए जा रहे थे। हर गांव और शहर में गांधी जी सभा करते थे। वे पूछते थे, नमक पर कोई सरकार कैसे टैक्स लगा सकती है। 4 दिनों में यात्रियों ने 37 मील तय कर लिया। रात नडियाड शहर के पास दभन गांव में गुजारी। अगले दिन 10,000 से ज्यादा लोग आम सभा में शरीक हुए। उनमें 7 ग्राम प्रधान भी थे। अपना इस्तीफा गांधी जी के हाथ में दे दिया। ये आम जनता का असहयोग आंदोलन की शुरुआत थी। 16 मार्च 1930 गांधी जी और उनके साथी आनंद पहुंचे। अगला दिन सोमवार था, उनके मौन रहने का दिन और अब आराम का भी। आनंद से चलने के पहले गांधी जी ने छात्रों और शिक्षकों को आंदोलन में शामिल होने के लिए आग्रह किया। बताया
जहां भी क्रांति हुई है, जापान, चीन, मिस्र, इटली, आयरलैंड और इंग्लैंड, छात्रों और अध्यापकों ने अवश्य प्रमुख रोल प्ले किया। जो हम आज के भारत में देख रहे हैं उसका लंबा इतिहास वाकई है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उनकी सेवा करनी होगी, उनको यकीन दिलाना होगा कांग्रेस उनकी भी है। धीरे धीरे भारतीय मीडिया में दांडी यात्रा की व्यापक कवरेज होने लगी। एक तरफ राष्ट्रवादी अखबार जनता के रिस्पॉन्स को अभूतपूर्व बता रहे थे, दूसरी तरफ ब्रिटिश सरकार के साथ अलाइंड फॉरेन मीडिया दांडी मार्च को फ्लॉप शो करार कर रही थी। मीडिया में पोलराइजेशन भी कोई नई बात नहीं है, एक खेमा हमेशा सरकार के साथ एम्बेडेड होता है। वाइसरॉय लॉर्ड अर्विन ने भी हवा के रुख को नहीं पहचाना। उन्होंने लिखा, गांधी इज कंटिन्यूइंग हिज थिएट्रिकल मार्च टू द कोस्ट बट सो फार इज अराउजिंग अ गुड डील लेस एक्साइटमेंट देन ही हैड एंटिसिपेटेड। जो कांग्रेस के नेता नमक सत्याग्रह के बारे में पहले बहुत स्केप्टिकल थे, अब समर्थन करने लगे थे। 1 अप्रैल 1930 गांधी जी ने सूरत शहर में 1,00,000 लोगों को संबोधित किया। 170 ग्राम प्रधानों ने अपना रेजिग्नेशन लेटर सबमिट किया। बड़ौदा में मुसलमान बड़ी संख्या में दांडी मार्च से जुड़े। 5 अप्रैल 1930 गांधी जी और उनके साथी दांडी पहुंचे। बॉम्बे क्रॉनिकल अखबार ने लिखा, द सिंपल टाइनी विलेज ऑफ दांडी नाउ लुक्स लाइक अ सिटी। द रूट बिटवीन नवसारी एंड दिस विलेज इज फुल ऑफ विजिटर्स, many of whom have come from long distance. Drinking water is being carried from neighboring villages in bullock carts and the number of shops selling eatables have been opened. Vidambana hai, samkalin Bharat mein bhi yahi drishya dekhne ko milta hai. Parantu, satta paksh ka kehna hai, protesters maje kar rahe hain aur biryani kha rahe hain. 6 अप्रैल 1930 गांधी जी ने एक मुट्ठी नमक उठाकर उस समय के सबसे बड़े साम्राज्य को हिला दिया। नमक खुले बाजार में बिकने लगा। अंग्रेजी हुकूमत ने वही किया जो हर हारी हुई सरकार करती है, गिरफ्तारी। जवाहरलाल नेहरू और जमनालाल बजाज समेत बहुतों को जेल में डाला गया, लेकिन जनता नहीं डरी। दांडी मार्च के जरिए गांधी जी ने एंटी गवर्नमेंट सेंटीमेंट को जगाया था। सरकार में बहुत लोग अब मानने लगे वायसरॉय ने नमक सत्याग्रह के इम्पैक्ट को अंडर एस्टिमेट किया था। सरकार पूरी तरह से आउट ऑफ आइडियाज थी। 5 मई 1930 फाइनली गांधी जी को गिरफ्तार किया गया। टाइम मैगजीन ने गांधी को सेंट करार दिया। आगे लिखा, देयर इज अनरेस्ट सीडिंग हॉटर एंड हॉटर ऑल ओवर इंडिया। रिपोर्ट में लिखा गया था, जब गांधी जी को गिरफ्तारी का ऑर्डर पेश किया गया था तब उन्होंने सिर्फ एक गुजारिश की थी, गैर कानूनी नमक से अपने दांत साफ करने की अनुमति। 90 साल बाद दांडी मार्च आजादी की लड़ाई का एक ड्रामेटिक हाई पॉइंट अब भी है। नमक सत्याग्रह को कंसीव करके गांधी जी ने अपना राजनीतिक और स्ट्रेटेजिक कैलिबर साबित किया। दांडी मार्च से आज़ादी की लड़ाई ने नया जोर पकड़ा। हिंदुस्तान की जनता और पॉलिटिसाइज हो गई। इतिहास हमें हमेशा बताता है कब, किससे, कितनी गलती हुई। वो चाहे लॉर्ड अर्विन हो या हिटलर या फिर समकालीन दुनिया का कोई भी शासक। नमस्कार।